अगर मेरा बस चले तो एक एक हिंदुस्तानी को गोली से उड़ा दो। किन हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ाएंगे आप लोग? हम हिंदुस्तानियों की वजह से आप लोगों का वजूद है। कौन सी एक्ट्रेस के साथ ज्यादातर नजर आए हैं सनी देओल? कौन सी है डायरेक्टर अनिल शर्मा की बेस्ट मूवीज? कैसा होगा मूवी का प्रमोशन? पॉलीग्राफ स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सनी देओल के साथ ज्यादातर फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस के बारे में, और साथ ही आपको अनिल शर्मा की बेस्ट मूवीज के बारे में भी बताएंगे, और सनी देओल के प्रमोशन को लेकर क्या ख्याल है वो भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 2.5 किलो के हाथ वाले सनी देओल ने आज तक इंडियन सिनेमा के कई सारी टॉप मूवीज में काम किया है और आज तक 50 से भी ज्यादा फिल्मों में नजर आए हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि सनी देओल 80s और 90s के दौर के सुपरहिट एक्टर थे। उन्होंने कई सारी लीडिंग एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है, लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने डिंपल कपाड़िया के साथ काम किया था। यहाँ तक कि इन दोनों का सीक्रेट लव भी उस वक्त का हॉट टॉपिक हुआ करता था। इन दोनों ने एक साथ नरसिंघा, गुना, अर्जुन आग का गोला और मंजिल जैसी हिट फिल्मों में एक साथ काम किया है, और अर्जुन मूवी की शूटिंग के दौरान ही इन दोनों लव बर्ड्स की लव स्टोरी शुरू हुई थी। डिंपल के अलावा सनी ने मीनाक्षी के साथ भी कई फिल्मों में काम किया है, जैसे कि घायल, घातक, दामिनी और डकैत जैसी फिल्मों में उन्होंने एक साथ काम किया था। उनके साथ भी उनके अफेयर के काफ़ी चर्चे वायरल हुए थे। डिंपल और मीनाक्षी जैसी उस दौर की टॉप एक्ट्रेस के साथ काम करने के बावजूद भी सनी ने एक इंटरव्यू में ऐसा कहा था कि आज की कई हीरोइंस उनके साथ काम नहीं करना चाहती हैं। सनी देओल की आइकॉनिक जोड़ी तो अमीषा पटेल के साथ गदर में ही है। तारा सिंह और सकीना मोस्ट लव वन स्क्रीन जोड़ी है, और ये जोड़ी हमें इस साल फिर से एक बार देखने को मिलने वाली है। गदर जैसी मूवी को बनाने वाले डायरेक्टर अनिल शर्मा ने इस मूवी के अलावा तहलका, सुहाग, होगी प्यार की जीत, दी बर्निंग ट्रेन, हुकूमत, सिंह साहब दी ग्रेट, कहानी किस्मत की, वीर और अपने जैसी कई आइकॉनिक फिल्में बनाई हैं, और अब वो गदर 2 और अपकमिंग प्रोजेक्ट अपने 2 के साथ फिर से हिंदी सिनेमा में अपना रंग जमाने वाले हैं। इनमें से उनकी कई सारी अच्छी फिल्में अंडररेटेड है, और हम ऐसा कह सकते हैं कि अनिल शर्मा एक अंडररेटेड डायरेक्टर हैं। गदर 2 अब जल्दी बनकर तैयार होने वाली है और अक्टूबर से दिसंबर के बीच किसी भी वक्त रिलीज होने वाली है। ऐसे में हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टार कास्ट हमें जल्दी मूवी का प्रमोशन करती हुई नजर आने वाली है। वैसे तो सनी देओल नो पीआर में मानते हैं, और उनके हिसाब से मूवी को बेचने से नहीं बल्कि मूवी में एक्टर्स एक्टिंग की वजह से मूवी सुपरहिट होती है। अब देखना ये होगा कि कैसे अपनी आइकॉनिक मूवी के रीमेक का प्रमोशन करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो कपिल शर्मा या तारक मेहता जैसे पॉपुलर टीवी शो के जरिए ही मूवी का प्रमोशन करेंगे। कौन सी एक्ट्रेस के साथ आप सनी देओल को ऑन स्क्रीन देखना पसंद करेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।